हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फ्री टाइम लाइब्रेरी एकेडमी क्लासेस में। गाइस, आज के डेट में हम लोग लेक्चर नंबर 10 सर्कल चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे। अभी तक लेक्चर 9 तक अपलोड हो चुका है इसी चैप्टर का, तो आप उन्हें भी जा करके देखें और प्रैक्टिस करें प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो आइए गाइस, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल से है, तो आप अपनी बुक के एग्जांपल, मतलब मैं एग्जांपल क्वेश्चंस दोनों यहाँ पे डालता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना, कि आपका पूरा बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाए, एक भी डाउट ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों ही आ सकते हैं। खैर आइए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि फिगर के अंदर, यानी ये वाला फिगर, ठीक है, उसमें ए बी जो है ना वो डायामीटर है, यानी ये वाला ए बी आपको दिख रहा है वो डायामीटर है, ठीक है। तो ये भी, ये जो डायामीटर बोला है ना, ये गिवन है और ये काम में आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि एंगल डी ए बी वो 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल डी ए बी जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एंगल डी सी ए, मतलब ये इधर वाला एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए तो देखिए कैसे करेंगे। आपको यहाँ से दो ट्राइंगल अलग करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, एक ए डी सी दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पर अलग कर दिया गया है, ठीक है। और एक ए डी बी जो ट्राइंगल दिख रहा है वो ये रहा, ठीक है। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लेना है सॉल्यूशन करते वक्त, ताकि आपको इजी होगा किसी और को ये मतलब किसी और को जो आप क्वेश्चन करके आओगे तो उसको समझने में भी इजी होता है और आपको भी इजी होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात कि जो ए बी होता है ना, ए बी यानी डायामीटर है, यहाँ पे बोल रखा है, और डायामीटर जो होता है ना वो सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है गाइस, डायामीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, मतलब ए बी जो है यहाँ पे डायामीटर है और डी पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो आपको पता होगा थ्योरम द्वारा, आपने ये पढ़ा होगा, थ्योरम के थ्रू आप जानते होंगे कि डायामीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस वजह से D पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो मेन वाला फिगर था इसमें 90 डिग्री नहीं था, और वो D पे यहाँ पे आपको फिगर के अंदर जो अलग किया गया है ट्राइंगल उसके अंदर आपको 90 डिग्री इस वजह से दिख रहा है, क्योंकि डायामीटर यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ए बी जो है डायामीटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे D पे क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो आप जब फिगर अलग करोगे तो डी पे क्या रखोगे, 90 डिग्री, पूरे डी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि डी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है और डायामीटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस वजह से डी पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप बी निकालो, बी तो इस तरह से आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हो गए आपके पास, एक तो ए हो गया एक डी हो गया, तो इस तरह से बी यहाँ पे जो निकल के आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्राइंगल का, जो कि होता है ऑल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप यहाँ से बी निकाल लोगे, बी को मैंने एक्स मान रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट, जो बी पे एंगल है ना वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, उसका रीज़न यहाँ पे गिवन है कि एंगल जो बनता है सेम आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में वो इक्वल होता है, ये आपने थ्योरम पढ़ा है, तो इस थ्योरम को आप लगाओगे कि एंगल मेड बाय सेम आर्क इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो आप अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ कि यहाँ पे कॉर्ड एडी है ना, एडी ये वाला एडी कॉर्ड, ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट है और इसके ऊपर एडी के जो ऊपर जो सेगमेंट है वो है मेजर सेगमेंट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ये कॉर्ड से जो ऊपर बनाया, यानी कि एडी जो आर्क है वो
सेम मतलब मेजर सेगमेंट के अंदर सी और बी पे एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। जिस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो बी पे जो आया आंसर वही सी का आंसर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एंगल डी सी ए जो होगा वो 50 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, ये यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है स्टूडेंट कि बिकॉज जो एंगल डी सी ए है और ए बी डी जो है, जो आया ए बी डी यानी एक्स एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो बना हुआ है सेम आर्क ए डी से और सेम सेगमेंट में बने होने के कारण इक्वल है। ठीक है, तो एंगल आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।